सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की खास खबर। पूर्व सरपंच ने जमीन पर किया कब्जा, निकाली जा रही रेत। भूस्वामी ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। छतरपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम महेवा के पूर्व सरपंच पर फरियादी द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा कर रेत निकालने के आरोप लगाए। भूस्वामी ने पुलिस को शिकायती आवेदन देकर उसकी जमीन से कब्जा हटवाने और कब्जा करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्राम गौरगांव निवासी रविंद्र छारिया ने बताया कि महेवा तहसील क्षेत्र में उनके स्वामित्व की भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत महेवा के पूर्व सरपंच रानू घोसी द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है और रेत निकाली जा रही है। रविंद्र के मुताबिक जब उसने रानू घोसी को रोकने का प्रयास किया तब रानू ने उक्त जमीन को अपनी जमीन बताया, जिसकी शिकायत उसके द्वारा ऊर्जा थाने में की गई। उस समय पुलिस ने जांच के बाद सीमांकन कराने के निर्देश दिए थे। सीमांकन में भी जमीन रविंद्र की निकली, लेकिन उसके बाद भी रानू जमीन पर कब्जा जमाए हुए है और लगातार रेत निकाल रहा है। ऊर्जा थाना पुलिस को आवेदन देकर रविंद्र ने उसकी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? हम ग्राम गौरगांव से हैं और रविंद्र छारिया हमारा नाम है। क्या घटना हुई है आपकी, किस संबंध में आपने शिकायत की है? क्या हमारी जमीन महेवा तहसील में है, तो वहाँ पर कई सालों से खदान खोद रहा है, बजरी निकाल रहा है, लाखों की तादाद में बजरी निकाल ली है। एक बार मना किया उनको, दोबारा अभी हमने गए तो देखा कि वहाँ पर हजारों ट्राली बजरी रखी है। इसके बाद हमने मना किया तो वो कह रहे हमारी है। हमने थाने में तुरंत पुलिस को बुलवाया, पुलिस गई वहाँ पर, पुलिस ने कहा कि अपनी ज़मीन नपवा लो और नपवा लो, इनका कहना है कि इन्हीं की ज़मीन है जी, और हमारी ज़मीन हमारे अंडर में है, बीच बीच ज़मीन में वो खोद रहे हैं। कौन लोग खोद रहे हैं, क्या नाम है उन लोगों का? वो वहाँ के महेवा के जोशी हैं, भूतपूर्व सरपंच। क्या नाम है उनका? उनका नाम उनका नाम है रानू घोसी और उर्फ रज्जन घोसी। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है? भूतपूर्व सरपंच, हमने थाने में की है, उसमें थाने में हमने वो उस कोरी वो को स्पीड पोस्ट किया है और पुलिस अधीक्षक छतरपुर किया है, खनज में किया है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन पर तत्काल रोक लगाई जाए, बजरी गिरफ्तार की जाए और जितनी जल्दी हो हमारा उसका मुआवजा दिया जाए उनसे।